आपने देखा होगा बहुत से लोग वार के अनुसार कपड़े पहनते हैं, यानी कि दिन के अनुसार। सोमवार को सफेद कपड़े, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को सफेद या आसमानी, शनिवार को ब्लैक, नीला, ग्रे और रविवार को ऑरेंज, यानी वार के अनुसार कपड़े पहनते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं क्या यह सही है। अगर ऐसा आप करते हैं तो क्या वास्तव में सही है, और अगर सही है तो क्यों, और गलत है तो क्यों, दोनों बातें आपको बताएंगे। निवेदन है, विनंती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, वार के अनुसार कपड़े बहुत से लोग पहनते हैं, लेकिन यह गलत है, क्योंकि एक ही कुंडली में जो ग्रह आपके अच्छे हैं उन रंगों के कपड़े अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, और अगर आपके जो ग्रह अशुभ हैं कुंडली में और आप वार के अनुसार कपड़े पहनते हैं तो आप सक्सेस होने से रहे। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को वो जीवन भर व्हाइट कपड़े पहनते हैं, दूसरा कलर का कपड़ा ही नहीं पहनते। आपने देखा होगा बहुत से लोग लाल, ऑरेंज, भगवा इस टाइप के कपड़े पहनते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग पीले कपड़े पहनते हैं। तो आपको कौन से कपड़े पहनने हैं यह आपकी कुंडली में पहले देखो। जो अच्छे ग्रह हैं, शुभ हैं, सिर्फ उनके कपड़े आप पहने, और अशुभ ग्रहों के अगर आप कपड़े पहनेंगे तो निश्चित मानकर चलें कि आपके साथ शुभ तो होने से रहा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें। हाँ, कुंडली का अगर विश्लेषण कराना चाहते हैं, कौन सा रंग हमको पहनना चाहिए, कौन सा नहीं पहनना चाहिए, कौन से ग्रह हमारे शुभ हैं, जिन रंगों का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ सकते हैं, जरूर पूछ सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पर वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है वो वहाँ पे बता दिया जाएगा, और अगर आपकी कुंडली नहीं है और कुंडली बनवाना चाहते हैं तो कुंडली जो है आपकी विशोंदरी महादशा, यानी कि 100 साल तक के जो ग्रहों की स्थितियां हैं उनको निर्धारित करके आपको, और ग्रहों के व्यवस्थित निर्धारण के साथ आपको आपके पते पर पहुंचा दी जाएगी। अगर आप ऐसा चाहते हैं, कुंडली बनवाना या कुंडली दिखवाना, तो जरूर व्हाट्सएप पे एक बार संपर्क करें और अपने ग्रहों को अपने अनुसार चलाना सीखें, अपने ग्रहों को बलवान करें, अपने शुभ ग्रहों के सहारे आप आगे बढ़ें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।